देश में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को अब कांग्रेस ने खुलकर समर्थन दे दिया है। इसी कड़ी में एमपी में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उपवास पर बैठने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी किसानों के समर्थन में जमकर बेबाकी दिखाई। देखें इस खास रिपोर्ट में। किसानों के समर्थन में कांग्रेस को मिला उपवास का रास्ता। कमलनाथ दिग्विजय बैठेंगे उपवास पर। किसानों के दर्द पर मलहम लगाने के लिए आगे आए कांग्रेसी। एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा कि अब कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खुलकर लड़ाई लड़ेगी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दिन के उपवास पर बैठेंगे। दो बातें हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में कई बार अलग अलग तरीके से हुआ है, इस बार भी होगा। चूंकि ये किसानों का आंदोलन, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। हमने जैसा पिछले समय कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि किसानों के हर तरीके से हम साथ हैं, यही बात अभी हमारे पूरे वक्तव्य में आई है। जहाँ तक विरोध का प्रश्न है कि किसानों का विरोध है या नहीं है, ये आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि किसानों का विरोध हिंसा हो, घृणा हो आसपास, इसी से किसानों का विरोध थोड़ी हो सकता है। तरीके से जैसा दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में और देश के राज्यों में भी हो रहा है, ये आशा है कि सरकार बात माने, प्रधानमंत्री बात माने, अन्यथा नहीं मानेंगे तो अल्टीमेटली किसान सब जगह सड़क पर और यहाँ भी उतरे। इसका भौतिक उदाहरण आप पहले यहाँ देख चुके हैं मध्य प्रदेश में। मैं मानता हूँ कि यहाँ के किसान जागृत है, सही समय पर सही निर्णय। वहीं पटवारी ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जिला स्तर पर भी कांग्रेस केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जबकि उन्होंने आरोप लगाया है कि एमपी में किसानों की हालत बदतर होती जा रही है और पिछले 6 महीनों में 267 मंडियों में से 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं। मैंने जैसा कहा, 267 मंडी में से 47 मंडी, 47 मंडी बंद है। पोर्टल पे आप जाओगे तो पता लग जाएगा। ऐसे ही 143 मंडियों में 60% व्यापार हो गया है। होगा क्या, ये मंडियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इनकी तनख्वाह देने की, जो कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं, उसकी पोजीशन नहीं बनेगी। जैसा डिपो में वो राज्य परिवहन निगम का हुआ था, वो हाल मंडियों का करने की प्रोसेस चल रही है, हर प्रदेश की चल रही है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बहरहाल किसानों के नाम पर अब सीएम शिवराज के हर वार पर कांग्रेस का पलटवार अब तेज हो गया है और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी मुखरता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।